Water drop. Water drop. Hey, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me. Hello everyone. So आज गोवा का कौन सा डे है मुझे नहीं पता. I have no idea. I've lost the count. But इतना है कि ये हमारा सेकेंड लास्ट डे है गोवा में. हम लोग 14th को जाने वाले थे बट आज 15th है. 16th और 17th को भी रिटर्न जाएंगे. और पैकिंग 13th को जाने वाले थे. आई एम सॉरी. हाँ तो हम लोग 14th, 15th, 16th अभी 17th को निकलेंगे. तो हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी. अभी पैकिंग चालू है. ये यहाँ देखो मैंने तो मेरा पैक कर लिया. वो सब रेडी है. अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल. हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक ही जगह पर बैठे बैठे थोड़ा बोर हो गए थे. वो है थोड़ा दूर हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से. कैलंगुट से हम लोग जा रहे हैं अरम्बोल. और वहाँ के हम लोग ने पिक्चर्स देखे. बहुत ही सही जगह है वो. हम लोग जहाँ जा रहे हैं अब वो जाके मालूम पड़ेगा सच्चाई कैसी है. तो अभी निकलते हैं फट से. पैकिंग वैकिंग सब हो गई है. एंड चेकआउट के लिए अभी कॉल भी आ गया था रिसेप्शन से कि भागो यहाँ से, बहुत हो गया तुम लोग का. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. बाय बाय बाय. इट वॉज नाइस स्टेइंग हियर. नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन. और ये गोवा की कड़कती धूप. हम लोग जिस दिन आते थे उसी दिन ठंडी थी, बाकी का पूरा टाइम गर्मी थी. हो गया यल्ला लेट्स गो. सो वी रीच्ड अरम्बोल आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ शॉर्ट ड्राइव. हम लोग जहाँ कैलंगुट में रुके थे वहाँ से अरम्बोल 50 मिनट्स का राइड कार से हम लोग को लगा. बाइक से या स्कूटी से जाएंगे तो इट विल बी अराउंड 20-25 मिनट्स. और हम लोग अभी नई जगह पर हैं, नई प्लेस पर. हम लोग पहले चेक करने जा रहे हैं कि जगह अच्छी है कि नहीं. अगर हमारी तरफ से हाँ होगी तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे. बाय द वे द प्लेस इज़ लुकिंग अमेजिंग. सो यस वी आर स्टेइंग हियर एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. पूल भी है बट पूल क्लोज्ड है. कोई नहीं चालू करा देंगे. हमारी पहचान बहुत है. हम विशाल पांडे के साथ. ऑलराइट गाइस, सो न्यू प्लेस, न्यू वाइब्स. और ये रूम की भी इन लोगों ने हालत कर दी है टाइट. व्हाट्सअप व्हाट्सअप. सबसे बेस्ट ये रूम में है इसका व्यू. पूल व्यू. और ये आपको ये कॉटेजेस दिख रहे हैं. तो ये कॉटेजेस में से भी एक कॉटेज हमारा है, एक ये रूम है. तो अभी रात में झगड़ा लफड़ा होने वाला है कि यहाँ कौन सोएगा और वहाँ कौन सोएगा. अब मेन यहाँ सोना है कि वहाँ सोने का झगड़ा होगा वो रूम देखकर, वो कॉटेज देखकर. अगर वो ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं और विशाल वहाँ सो जाएंगे. और नॉर्मल रहा तो मैं और विशाल यहाँ. अभी चार लोग हैं ना तो दो दो में बंटवारा हो गया, नहीं तो तीनों एक ही जगह मरते हैं. सो ये रूम तो देख लिया हम लोग ने. अभी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कॉटेज जो अभी हम लोग को मिलने वाला है. 2 बजे मिलने वाला था, हो गया टाइम. और हम जहाँ रुके ये जो पूरा एरिया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. और रिसेप्शन से मालूम पड़ा कि आज फ्ली मार्केट होने वाला है पूरा यहाँ पे शाम में. तो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट. और अभी मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ कैसा है. सो अभी मैंने आपको जो बताया दे आर सेटिंग अप द फ्ली मार्केट. प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट. और देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है नया. और ये सब सेटअप जो कर रहे हैं इन लोग फ्ली मार्केट है वो सब फॉरेनर्स कर रहे हैं. तो आई गेस कुछ अलग अतरंगी चीज़ें भी देखने मिले. ढूंढेंगे अच्छे से. How much? Yeah. This is 3,700. सो हमारा कॉटेज हो गया है रेडी क्लीन. अभी मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, एंट्रेंस दिखाता हूँ कैसे. ऑलराइट, सो दिस इज द एंट्रेंस. और यहाँ पे बीच है बाय द वे. और ये हमारा एंट्रेंस है. वो भाई
वाइब है यहाँ पे, वाइब है भाई यहाँ पे, बहुत खतरनाक वाली वाइब है, ऐसा लग रहा है मनाली में हूँ। मनाली वाला रूम वाली है ना, मनाली वैसी थी सेम मनाली। शिट यहाँ पे तो मेरे को मेमोरीज क्रिएट करना है। ऋषि रुक जाते ना 18 तक, ऋषि रुक जाते, व्लॉग जानना चाहता है, जानना चाहते क्या और एक दिन एक्सटेंड, और एक दिन बढ़ा दे क्या? बोलो ऋषि, तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है। फोन ले लो मेरे पास से, मेरे अब्बा को फोन करो, बात कर लो। ठीक है, जयंतीलाल भाई से, जयंतीलाल भाई से, तू अब्बा से नहीं आंटी से बात कर, जयंतीलाल भाई से बात करेगा तू, करण भाई से बात करो। हां वो तो मैं भी कर लूंगा, ये भी कर ले। ओ मोयो तकलोर So this is the flea market I was talking about. बहुत ही cool vibes हैं यहाँ पे, एकदम सब अपनी handcraft चीज़ें बना के बेच रहे हैं, और mostly foreigners है ये जो flea market जिसने लगाया, वो सब foreigners है। और crazy vibe, मतलब बहुत ही ज़्यादा different vibe आ रही है। Seriously, Calicut side Goa का और Arambol side Goa का बहुत different है, मतलब यहाँ पे सब chill कर रहे हैं, ज़्यादा partying hard नहीं चल रहा, वहाँ पे थोड़ा scenes crazy रहते हैं। ये वाला जो वाइब है ना, ये मुझे पसंद आ रहा है। भाई मतलब ये जगह से मेरे को हो गया है प्यार, बहुत सही जगह है यार। मतलब स्टार्टिंग में आके थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है सही है कि नहीं। धूप कितनी थी तब? बाकी हाँ धूप बहुत थी, बट फिर भी जब वाइब आ रहा था वो टाइम पे अपन जब वहाँ बैठे थे, बट सनसेट के टाइम तो अभी अंधेरा होने का पता नहीं, बट अब देखिए खतरनाक सनसेट पे मैं खत्म हो गया, मतलब बस जिंदगी जी ली। Let's put your hands together. Water drop. All right, some water drop skills. So good morning from this beautiful resort. ये हमारा डे टू है ये रिजॉर्ट में, एंड भाई साहब कल रात में जो फीलिंग आई थी यहाँ पे, ये फ्ली मार्केट लगा था, एक अलग ही वाइब था, बीट बॉक्सिंग किया मैंने, एंड इट वॉज सो मच फन। अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं Arambol मार्केट, वहाँ पे थोड़े हिप्पी क्लोथ्स, हेम पैंट्स वो सब मिलते हैं, हरम पैंट्स, तो वो थोड़ा बहुत देखते हैं क्या देखने मिलता है, क्या लेने मिलता है, कुछ अच्छा लगा तो लेंगे। और हमारे पास अभी कपड़े बिल्कुल नहीं बचे, हम आए थे 3 दिन का सोच के, और हम लोग रह लिए 8 दिन, 7 दिन, कितना दिन हो गया, 7-8 दिन आराम से हो गए। गाना भी नहीं डाल सकते इस पे। Copyright. YouTuber's problem. Everyone's problem, but not YouTuber's problem. So चलो finally हम लोग Arambol explore करने के लिए निकले हैं, और मैं white हो गया इधर। इधर bag में डाल। आ जाओ सर, आ जाओ।
जाने दो ना अदनान, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं दे देना। मैंने बोला आ जाओ, घुस रहा था पीछे से, इनह्यूमन इंसान पीछे से घुस रहा था, पहले जाने की कोशिश कर। देखो दोनों मेरे अगेंस्ट हो गए, उज्जवल मेरा साथ देगा, है ना उज्जवल? हाँ, और बाय द वे कपड़े पूरे हो गए हैं खत्म, कपड़ों के नाम पे कुछ नहीं बचा, तो हम इधर उधर से इसका उसका कपड़ों के नाम पे हाँ, तो इधर उधर से विशाल का शर्ट और ये सब ढाप ढूप के पहन के हम घूमने जा रहे हैं। देख रहे हो क्या गरीबी आ गई है, अभी मैं ट्राई करूँगा, मेरा भी अपना आ गया। सो अभी हम जा रहे हैं अरम्बोल मार्केट, वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे कपड़े दिखेंगे तो मैं ले लूँगा, और आई गेस अच्छे मिलेंगे मेरे टाइप के क्लोथ्स हैं यहाँ पे। बाय द वे गोवा में तुम कैसे भी कपड़े पहन लो, अपने मर्जी के हिसाब से, जैसा आपको घूमना वैसा घूमो, नो वन केयर्स। मैं ये कपड़ा अगर मुंबई में पहन के घूमता मीरा रोड में, तो पब्लिक एलियन की नज़र से हम लोगों को देखती, यही एक वाइब, बहुत मज़ा आती मेरे को। कुछ भी पहनो भाई, कुछ भी जो मर्जी में आया तिरंगी पहन लो, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज़ अरम्बोल मार्केट, जहाँ पे सब ऐसी चीज़ें मिलती है, जैसे डायरी देखो कितनी मस्त है, कितनी विंटेज लग रही है, हेम्प मटेरियल का पूरा सामान, बैग्स एवरीथिंग, ये सब पॉकेट्स। मैंने भी एक ऐसा लिया हूँ ये वाला, और देख रहा हूँ कुछ ऐसा मेरे को साइड बैग फैनी पैक जैसा भी चाहिए था। सो दिस इज़ द अरम्बोल मार्केट, रियली नाइस, यूनिक, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली मिलती नहीं है मुंबई, वो सब सारी यहाँ मिल रही है, और मुझे वो सब चीज़ें बहुत पसंद है। सो लेट्स सी और क्या क्या है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ अच्छा दिखा तो बताऊँगा। सो शॉपिंग के बाद लगी है बहुत ही ज़ोरों शोरों से भूख, शॉपिंग के बाद नहीं, शॉपिंग अभी बाकी है, हम लोग थोड़ा ब्रेक लेना है क्योंकि भूख बहुत दूर। व्हाट्स अप ब्रदर, ऑल गुड, सी यू। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सो वी स्टॉप्ड हियर इन दिस फूड फैक्ट्री, यू नो वी गोना हैव सम लंच, बहुत ज़्यादा भूख। देखा तूने मैक्स को? हाँ, वही हाथ दिखाया ना उसने, बोला यार ट्रिप ही लग रहा है, देख मैं बहुत ये बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने ये शर्ट में हम तीनों को देख चुका है, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, ये शर्ट की हम बोली लगा रहे हैं, अपना अपना बोली कमेंट सेक्शन में बताओ कितना देना है, जो सबसे हाइस्ट रहेगा उसको ये शर्ट, मुझको नहीं बेचना ये शर्ट, उसको ये शर्ट कुरियर कर देंगे। सो यहाँ होता है गोवा का सफ़र समाप्त, दिस इज़ आर लास्ट डे, लास्ट डे भी नहीं बोल सकते, अभी हम निकल रहे हैं रेडी रेडी होके, एंड इट्स गोना बी अ लॉन्ग ड्राइव 12 आवर्स। बाकी भाई बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने के टाइम, ये जो था पूरा एरिया, ये कॉटेजेस, हमेशा निकलने के टाइम मेरा मूड ऑफ हो ही जाता है, कहीं से भी क्यों ना निकलो, सब फ्रेंड्स साथ में जमा हुए और मज़े कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, सामने बीच है, और यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी जाएंगे वापस मुंबई और वहाँ से दूसरा ट्रिप प्लान करेंगे, बस यही अभी लाइफ हो गई है। बाकी कुछ भी बोलो बॉस, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोवा ट्रिप्स, मतलब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो भी बहुत मज़ा आई थी, बट ये टाइम कोई बीट नहीं कर पाएगा, दिस ट्रिप वॉज द बेस्ट वन। बाय बाय कॉटेज। क्या हो गया, जा रहे हो वापस? हाँ ना यार, मन नहीं कर रहा जाने का, अभी पूरा सामान वामान रखे गाड़ी में, सेटअप किए, आए थे कम सामान लेके, जा रहे इतना सारा सामान लेके, चलें निकलते हैं टू मुंबई, इट वाज अ गुड ट्रिप, बहुत मज़ा आई। थोड़ी देर बैठ और यहाँ आगे बैठने के लिए झगड़ा होते हुए। सो वी स्टॉप्ड हियर टू ईट समथिंग, क्योंकि हम लोग वहाँ से निकले थे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है भाई, पेट दुख रहा है भूख से, और इसको तो चक्कर आ रही थी, और इसको भी अभी आने लग गई है चक्कर। अभी हम लोग एक लोकल जगह पे रुके हैं गांव के बीच में, और मिसल पाव खाने वाले हैं, बहुत मन कर रहा, रेडी एक्साइटेड फॉर दैट मिसल पाव, बस अच्छा रहना चाहिए यार, पेट भर के खा के निकल जाएंगे, सीधा मुंबई में रुकेंगे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, रात को रुकने का ना खाने के लिए, फिर रात में भी रुक जाएंगे खाने के लिए, काटिए क्या बोल रहे, बोल देखो ना, ऐसे में
सो आई गेस दैट वॉज प्रीटी मच इट. इतना लंबा 12 आवर्स का ड्राइव करने के बाद मेरी तो हालत नहीं थी रात में व्लॉग करने की. अभी मैं सो के उठ के अच्छे से व्लॉग एंड कर रहा हूँ. सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा. बहुत ही मेहनत से बनते हैं वीडियो. सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना. अभी फट से देते हैं शाउट आउट. ऑलराइट, सो शाउट आउट टू पूनम शाह एंड अमनजोत कौर. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और ऐसे अपना प्यार बांटते रहो. अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो इट्स सिंपल, सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे रेड बटन पर क्लिक करो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे DM कर देना कि यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट का चांस मिल सकता है. सो प्लीज डू इट. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक के लिए सावधान सतर्क रहें. Chim chim chimmy, cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multiverbal milligram supplement. Plus and bit. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?